हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हम देखेंगे आपके क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर फोर्थ के क्वेश्चन आंसर। इसकी हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी थी जिसका नाम था द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा था, आइए देखते हैं आज इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर आपके जो बुक का है 60, उसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। तो वो अच्छे जो नेबर्स थे, उनके जो बुरे वाले जो नेबर्स थे, उन्होंने डॉग को क्यों मार दिया था? उन्होंने डॉग को इसलिए मार दिया था द डॉग डिड नॉट गाइड द नेबर्स टू द ट्रेजर सो दे किल्ड द डॉग इन एक्सट्रीम एंगर। वो लोग जब डॉग को लेकर के गए थे और उस डॉग ने उनको गाइड नहीं किया था वो ट्रेजर, वो खजाना ढूंढने के लिए, कि वो जो डॉग जब उन्होंने देखा था कि हमारे पड़ोसियों को उस डॉग ने खजाना ढूंढ के दिया है, तो वो भी लालच के लिए उस डॉग को अपने घर ले गए थे क्योंकि ताकि वो भी क्या कर सके, उनको खजाना ढूंढ के दे सके। लेकिन जब डॉग ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने सो दे किल द डॉग इन एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के उसको मार दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, मार्क द राइट आइटम। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। जो ओल्ड फार्मर और उनकी जो वाइफ थी वो डॉग को प्यार करती थी। किस तरीके से प्यार करती थी? बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो उनके रोज के काम में उनकी हेल्प करता था, पहला ऑप्शन। सेकेंड क्या है, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, कि उनका खुद का जैसे बच्चा था इसलिए उनको वो प्यार करते थे, अपने खुद के जो है वो डॉग को अपना खुद का बेबी समझते थे इसलिए उससे प्यार करते थे, या फिर एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, या फिर वो सभी जैसे जानवरों से प्यार करते थे वैसे उस डॉग से प्यार करते थे। इसका सही आंसर क्या है, सेकेंड वाला बी, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, वो किस तरीके से समझते थे जैसे कि वो उनका खुद का ही बेबी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When the old couple became rich, they, तो वो बूढ़ा जो कपल था जब वो रिच हो गया तब उन्होंने क्या किया? Gave the dog better food, उन्होंने डॉग को एक बेटर फूड देना चालू कर दिया। Invited their greedy neighbors to a feast, उन्होंने अपनी लालची जो नेबर्स हैं उनको खाने पर बुलाया। Lived comfortably and were generous towards their poor neighbors, फिर उन्होंने क्या किया कि वो कंफर्टेबली रहने लगे और अपने जो वो पुअर जो नेबर्स थे उनके प्रति भी वो लोग प्रेम से रहने लगे। उन्होंने क्या किया, इन तीनों में से आप बताइए कि उन्होंने क्या किया होगा? गिव द डॉग बेटर फूड, नहीं, इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू ए फीस्ट, सभी नहीं, क्या था, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, ये वाला इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड, जो ग्रीडी जो कपल था कि बुरे जो लोग थे उनके पड़ोसी, उन्होंने क्या किया था, वो मिल जो उन्होंने बनाई थी वुड की उसको बोरो किया और द मोर्टार टू मेक एंड द मोर्टार टू मेक, मतलब कि वो मिल और वो जो मोर्टार था, मतलब कि जो जिससे वो कुछ अपने जिसके वो अपने वो पिसाई वगैरह करते हैं उसके अंदर छोटा सा छोटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक, वो जो ग्रीडी जो कपल है उन्होंने क्या किया था, वो मिल और जो मोर्टार को बोरो किया था, किस लिए किया था? देखिए पहला क्या है, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाने के लिए। बी देखिए क्या है, मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स, या फिर उनको वो मैजिक जो है वो एश चाहिए था वो रिवॉर्ड्स को विन करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्या है, अ पाइल ऑफ गोल्ड, या फिर गोल्ड का ढेर पाने के लिए क्या किया था, मैजिक अ पाइल ऑफ गोल्ड, जबकि जब उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसियों के पास उस मिल से गोल्ड का ढेर लग गया है तो उन्होंने यही सोचा कि उनसे वो जो है वो बोरो करके हम लेके जाते हैं और शायद हमारे पास भी गोल्ड का ढेर लग जाएगा, इसलिए इस लालच में उन्होंने वो मिल उनसे बोरो किया था। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर आपके 63 पर दिया गया, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन, What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ओल्ड फार्मर था वो एक दयालु आदमी था और आपको इसके क्या सबूत मिलते हैं कि वो दयालु था या फिर नहीं था? आपके पहले दो पैराग्राफ में से ऐसी बातें आपको बतानी है इससे ये पता चलता है कि जो ओल्ड फार्मर था वो काइंड था, वो दयालु था या नहीं। ठीक है, आपके आंसर में देखिए क्या दिया गया है, द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन, बिल्कुल ओल्ड का तो वो फार्मर था वो एक काइंड पर्सन था। और हमें कैसे पता चलेगा, ही हैज ए पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता था, हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चे नहीं थे,
He loves it as if it were his own son. और वो उस डॉग से इस तरीके से प्यार करते थे जैसे कि उनका खुद का बच्चा हो या उनका खुद का बेटा हो. The old couple used to feed him with the tribbets of fish from their own chopsticks. और वो जो ओल्ड कपल था वो उनको खुद के chopsticks से उस डॉग को खाना खिलाते थे. तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो ओल्ड कपल था या फिर वो जो ओल्ड फार्मर था बहुत ही ज्यादा दयालु था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू हिडन गोल्ड. उस डॉग ने क्या किया था जब वो जो ओल्ड फार्मर को वो जो वो छुपा हुआ खजाना है उसको ढूंढने के लिए उस डॉग ने उस फार्मर के साथ क्या किया, क्या किया था. द डॉग ट्राइड टू टेक हिम टू सम स्पॉट. डॉग कोशिश कर रहा था कि वो उस फार्मर को वो जगह दिखाने की कोशिश कर रहा था जहां पर कि वो खजाना गड़ा हुआ था जमीन में. ही केप्ट ऑन रनिंग फॉर सम मिनट्स. तो उसने क्या किया, ओल्ड फार्मर के आसपास मतलब थोड़ा बहुत भागना चालू कर दिया. और द ओल्ड मैन फॉलोड हिज पेट डॉग. उसके बाद क्या किया, ओल्ड फार्मर था उसने अपने डॉग को फॉलो करना चालू कर दिया. एट वन प्लेस द डॉग स्टार्टेड स्क्रैचिंग द अर्थ. और एक जगह पर जाकर जहां पर वो खजाना गड़ा हुआ था वहां जाकर उस डॉग ने जमीन को खोदना चालू कर दिया. द ओल्ड मैन डग द अर्थ एंड फाउंड ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीमिंग बिफोर हिम. और जब वो खड्डा खोद लिया गया तब उस ओल्ड फार्मर को चमकता हुआ सोना जो है से मिल गया. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट, ठीक है, क्या है. हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट. सबसे पहले उस डॉग की आत्मा ने उस ओल्ड फार्मर की मदद कैसे की, कैसे की थी. द डॉग्स स्पिरिट आस्क्ड हिज मास्टर टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव टू मेक मोर्टार फॉर हिज राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर बीन सॉस. सबसे पहले उस डॉग ने क्या किया था, उस डॉग की आत्मा ने जब उस ओल्ड फार्मर के सपने में आया उन्होंने बताया कि जहां पर मेरी ग्रेव है उस ग्रेव के ऊपर क्या है, एक पाइन का ट्री है. तो आप क्या करो, उस पाइन के ट्री को काटो और उससे क्या बनाना है आपको, एक मोर्टार बनाना है और एक मिल बनानी है. अभी मोर्टार और मिल मैंने आपको चैप्टर के अंदर बता दिया था कि क्या चीजें थी, इनसे हम लोग राइस पेस्ट्री बना सकते हैं और बीन सॉस बन सकता है उसके अंदर. मतलब कि एक बड़ा सा बर्तन होता है और उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, राइस पेस्ट्री और बीन सॉस वगैरह ये सब कुछ उसके अंदर बना सकते हैं. उस डॉग की आत्मा ने जो है उस ओल्ड फार्मर को ये बोला कि वो जो पाइन का ट्री है उसको कट करो और उससे ये मिल बनाओ. और द ओल्ड कपल मेड द डो रेडी फॉर बेकिंग. और वो ओल्ड कपल ने क्या किया था, वो जो डो बनाया था, डो का मतलब कि वो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए जो आटा बनाते हैं वो लोगों ने बनाया. एज सून एज ही स्टार्टेड पोरिंग इट, इट टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस. और जैसे ही उन्होंने वो जो डो है उसको निकाला या फिर उसको पोर करना चालू कर दिया तब वो क्या हो गया, इट टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस. और वो एक हीप मतलब कि गोल्ड कॉइन के ढेर में वो चीज बदल जाती है. सेकेंड है, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट. अगली बार उस डॉग ने कैसे उसकी मदद की थी, कैसे की थी, देखिए आंसर है. द डॉग्स स्पिरिट टोल्ड हिज मास्टर हाउ द विक्ड नेबर्स हैज बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. क्या बताया गया आपको, द डॉग्स स्पिरिट टोल्ड हिज मास्टर. डॉग की आत्मा ने अपने मालिक को ओल्ड फार्मर को बताया कि कैसे उन बुरे लोगों ने वो जो आपसे जो मिल बोरो करके ले गए थे, जो मोटार बोरो करके ले गए थे, उससे उसको उन्होंने बर्न कर दिया, उसको उन्होंने जला दिया. तो he suggested him to take the ash and sprinkle it on the withered trees. डॉग की आत्मा ने बताया कि जिन चीजों से वो जल करके राख बनी है, मतलब कि जो वो मिल और वो मोर्टार को बर्न करके जो राख बनी है, जो एशेस बनी है, आप उनको लेकर के आइए और क्या कीजिए, जो मुरझाए हुए पेड़ है उनके ऊपर स्प्रिंकल करो, मतलब उनके ऊपर छिड़कना है उनको. इट वुड मेक देम ब्लूम. और जैसे ही वो उसको ऐश को ऐसे ट्री पे छिड़केंगे जो कि मुरझाए हुए हैं या फिर जिनके ऊपर एक भी पत्तियां नहीं है, तो उस एशेस के छिड़कते ही वो क्या हो जाएंगे, ब्लूम करने लगेंगे, उनके ऊपर फूल आने लगेंगे. तो ऐसे करके डॉग ने सेकंड बार उस ओल्ड फार्मर की मदद की थी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रखा है, व्हाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट. तो आपसे पूछा गया है कि राजा ने या फिर उस डेमियो ने उस ओल्ड फार्मर की जो है उसको रिवॉर्ड क्यों दिया और उसके साथ वाला जो उसका जो नेबर था उसको पनिश क्यों किया. क्या सेम एक्ट के लिए, सेम काम जब दोनों ने किया, एक को तो रिवॉर्ड दिया लेकिन दूसरे को पनिश क्यों किया था.
तो ऐसा क्यों किया था? द ओल्ड फार्मर स्कैटर्ड ए पिंच ऑफ एशेज ओवर द ट्री। जब उस ओल्ड फार्मर ने क्या किया था, उस एशेज को उस पेड़ के ऊपर छिड़का था, तब उससे क्या हुआ था, इट बर्स्ट इनटू ब्लूम्स, उस पेड़ के ऊपर खूब सारे फूल खिल गए थे। तो द डेमी वॉज प्लीज टू सी एंड ऑर्डर सम रिवॉर्ड टू सिल्क क्लोथ केक एक्सेट्रा। ये देखकर के राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इस खुशी के कारण उसने उस बूढ़े व्यक्ति को खूब सारे गिफ्ट दिए थे। बट ऑन द अदर हैंड द ग्रीडी नेबर स्प्रिंकल्ड हैंडफुल ऑफ एशेज। और दूसरी तरफ जब दूसरे बूढ़े आदमी ने, जो वो बुरा वाला जो बूढ़ा आदमी था, जब उसने पूरा हाथ भर करके लालच में वो जो एशेज थे, वो राख थी, जब उस पेड़ के ऊपर फेंकी, तब क्या हुआ, एंड द विंड ब्लू इट एंड स्ट्रेट वेंट टू इनटू द आईज ऑफ द डेमियस एंड हिज वाइफ। तभी क्या हुआ, जैसे उसने छिड़की तो खूब तेज हवा चली और उस हवा के चलने से वो जो राख थी वो सबकी सब कहां पहुंच गई, राजा और रानी की आंखों में चली गई, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ही गॉट एंग्री, ही ऑर्डर टू पनिश द विक्ड मैन टू डेथ। अब उन्होंने क्या किया कि उस मतलब उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस बूढ़े व्यक्ति को मार डालो और वो बूढ़े में मर जाता है, उसको पनिशमेंट मिल जाती है। तो यहाँ खत्म होते हैं आपके क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4th के क्वेश्चन आंसर। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।